हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रेनू। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भिंडी, जो आपको मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। तो रेसिपी देखने के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम कैसे दही और भिंडी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दही भिंडी बनके तैयार हो गई है। तो आप इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही भिंडी बनाने के लिए मैंने गैस में कढ़ाई गरम कर ली है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल गरम करना है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल में बना सकते हैं। देखिए हमारी ऑयल गरम हो गई है, तो इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। और भिंडी को हमको मीडियम फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो इसको लगातार चलाते हुए हमको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करके हमको इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है, ताकि इसमें से कच्चीपन चली जाए। तो इसको हमको 2 से 3 मिनट लगातार चलाते रहना है। देखिए हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, तो इसको हमको प्लेट में निकाल देना है। मैं आपको बताना भूल गई थी, पहले मैंने भिंडी को धो के अच्छे से सुखा लिया था, पूरा ड्राई कर लिया था। और इसको काट के मैंने तेल में फ्राई किया, हल्का सा फ्राई किया, मैंने ज़्यादा भी नहीं किया, देख सकते हैं आप। तो इसको हमको प्लेट में निकाल देना है। सारी भिंडियों को हमको निकाल लेना है। तो मैंने सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं। इसी कढ़ाई में ही हमको 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालना है और इसको गर्म होने देंगे। देखिए हमारी ऑयल गरम हो गई है, तो इसमें 1 मीडियम साइज़ के प्याज को काट के मैंने डाला है। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज भून गई है, तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने धो के काट के रखा है, इसको भी इसमें डाल देना है। और कम से कम 2 से 3 मिनट तक टमाटर को गलने तक उनको कुक करना है। हमारी टमाटर गल चुकी है, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हमको रेड चिली पाउडर ऐड करना है। और मसालों को 5 मिनट तक भूनेंगे हम। तो मसाले को मिक्स कर देते हैं अच्छे से और इसको हमको 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि मसाले से कच्चीपन चली जाए। तो इसको हमको कवर कर देना है और 5 मिनट तक इसको मसाले को भूनेंगे। तो हमारा मसाला चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको लगभग 2 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हमारा गरम मसाला भी मिक्स हो चुका है, तो इसमें मैं भिंडी फ्राई भिंडी को डाल देती हूँ और इसको भी 2 से 3 मिनट तक हमको मसाले में अच्छे तक मिक्स होने तक इसको भूनना है, ताकि मसाला भिंडी से अच्छे से लिपट जाए। तो हमारी भिंडी अच्छे से मसाले में मिक्स हो गई है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम खट्टी दही ली है, इसको हमको भिंडी में डाल देना है और इसको भी मिक्स करके हमको कम से कम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। तो इसको हम कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। मैंने दही को उसमें बेसन नहीं मिलाया था बिना। तो हमारी भिंडी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी भिंडी परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गई है, अच्छे से हो चुकी है। दही भी भिंडी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और सर्विंग प्लेट पे निकालते हैं। तो आप भी अपना घर में ट्राई कीजिएगा और कैसे बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर उसके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए हमारी दही भिंडी बनके तैयार हो गई है।